अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक पुनरावर्तन 1। बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारी पाठ्यपुस्तक और स्वाध्याय पोथी कार्य, निबंध लेखन सब कुछ पूर्ण हो चुका है। तो अब हम आज से पुनरावर्तन की शुरुआत करेंगे, जो हमारा परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन होगा और वो होगा द्वितीय सत्र का, इकाई 9 से लेकर 16 तक। तो चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, नंबर 1, बिरजू चाचा ने खाली जगिया में सब्जियां बोई थी। बगीचे, खेत, आंगन या मैदान कहाँ बोई थी? खेत में। तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे खेत। नंबर 2, पेड़ की छाया में बिरजू चाचा को खाली जगह आ गई। 1, कल्पना, 2, बेहोशी, 3, नींद और 4, युक्ति। क्या आ गई? नींद। तो हम यहाँ लिखेंगे नींद। नंबर 3, आलू सब्जियों में खाली जगह है। सरताज, राजा, सर्वोपरि और कनिष्ठ। क्या है? सरताज। तो हम उत्तर में लिखेंगे सरताज। शकरकंद स्वाद में खाली जगह होता है। 1, कड़वा, 2, मीठा, 3, नमकीन और 4, तीखा। तो क्या होता है शकरकंद? मीठा। तो हम यहाँ लिखेंगे मीठा। गाजर का रंग खाली जगह होता है हरा, लाल, पीला या बैंगनी। कैसा होता है? लाल। तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे लाल। आगे देखिए, हमेशा हंसते रहने की सीख खाली जगह देता है भौंरा, फूल, पेड़ या हवा। हमेशा हंसते रहने की सीख कौन देता है? फूल। तो हम यहाँ लिखेंगे फूल। विनम्र होकर रहने की सीख खाली जगह देता या देती है फूल, पेड़ की डाली, हवा का झोंका या दूध। तो सही उत्तर है पेड़ की डाली। तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे पेड़ की डाली। जगने और जगाने की सीख हमें खाली जगह देता है चंद्र, सूरज, मछली और दीपक। तो इसका उत्तर आएगा सूरज। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे सूरज। स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरने की सीख खाली जगह देता है पृथ्वी, मछली, लता या धुआं। कौन देता है? मछली। तो हम यहाँ लिखेंगे मछली। हमेशा उन्नति करने की सीख हमें खाली जगह देता है धुआं, पेड़, पानी और दीपक। तो कौन देता है? धुआं। तो हम उत्तर में लिखेंगे धुआं। आगे देखिए, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, हमें यहाँ कोष्टक में क्या क्या दिया गया है? फीकी, आलू, शकरकंद, टमाटर और कचुमर। हमें इन्हीं में से सही उत्तर ढूंढकर लिखना है। नंबर 1, सभी सब्जियाँ खाली जगह बिना अधूरी है। किसके बिना अधूरी है? आलू। तो सही उत्तर आएगा आलू। नंबर 2, खाली जगह ने कहा मैं आलू का मित्र हूँ। आलू का मित्र कौन है? शकरकंद। तो हम यहाँ लिखेंगे शकरकंद। सब्जी के अलावा खाली जगह और सलाद में भी बंद गोभी का स्थान है। तो सब्जी के अलावा कचुमर में। तो हम यहाँ लिखेंगे कचुमर। हरी मिर्च के बिना सभी सब्जियाँ खाली जगह है। हरी मिर्च के बिना सभी सब्जियाँ क्या है? फीकी। तो हम यहाँ लिखेंगे फीकी। खाली जगह का खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। किसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है? टमाटर का। तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे टमाटर। आगे देखिए, देखिए यहाँ कौन कौन से हमें कोष्टक में शब्द दिए गए हैं। सबको, भोरो, झोंको, प्राणी, स्वदेश और पतझड़। देखिए, नंबर 1, फूलों से नित हंसना सीखो, खाली जगह से नित गाना। किससे? भौरों से। नंबर 2, सीख हवा के खाली जगह से लो कोमल भाव बहाना, हवा के झोंकों से।
नंबर 3, लता और पेड़ों से सीखो खाली जगह गले लगाना। लता और पेड़ों से क्या सीखना है? सबको गले लगाना। मछली से सीखो खाली जगह के लिए तड़प कर मरना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। खाली जगह के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। कौन से पेड़ों से? पतझड़ के पेड़ों से। पृथ्वी से सीखो खाली जगह की सच्ची सेवा करना। किसकी सच्ची सेवा करना? प्राणी की। अभी यहाँ हम जो भी विकल्प और खाली जगह देख रहे हैं वो सभी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जुड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कापी में दो दो बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? दो दो बार लिखना है। और साथ ही साथ क्या करना है? याद भी करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि ये हमारी वार्षिक परीक्षा की द्वितीय सत्र की तैयारी है, इसलिए आपको यह सभी अच्छे से याद भी करना होगा। देखिए यहाँ पे कौन कौन से विकल्प कोष्टक में विकल्प दिए गए हैं। तालाब, पानी, सिंचाई, तैरना, प्रार्थना, गड्ढा और धोती। नंबर 1, दुमदुमा गांव में हमेशा खाली जगह की कमी रहती थी। किस चीज़ की कमी रहती थी? पानी। बच्चे पानी में खाली जगह चाहते पर कहाँ? बच्चे पानी में क्या चाहते थे? तैरना। मैं बादलों से खाली जगह करूँगा रोज बरसों। बादलों से क्या करूँगा? प्रार्थना। एक बड़ा सा खाली जगह क्यों ना खोदे? बड़ा सा क्या खोदे? गड्ढा। वे जमीन खोदते रहे मिट्टी खाली जगह रहे मिट्टी ढोते रहे। बरसात में उस खाली जगह में पानी भर गया। बरसात में उस तालाब में पानी से खेतों की खाली जगह हुई क्या हुई? सिंचाई। आगे देखिए यहाँ में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। जड़, दादी, जन्मदिन, कूड़ादान, कूड़ा, मोहल्ला, नगर पालिका और नालियों। नंबर 1, अजय ने मोहल्ले को अपने खाली जगह पर बुलाया। अजय ने मोहन को अपने खाली जगह पर बुलाया। किस पर बुलाया? जन्मदिन पर। नंबर 2, कुछ दूरी पर उसे एक खाली जगह दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? कूड़ादान। मोहन ने देखा खाली जगह में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। किसके कारण? नालियों। अजय की खाली जगह बीमार थी। कौन बीमार थी? दादी। गंदगी बहुत से रोगों की खाली जगह है। क्या है? जड़। खाली जगह का काम नगर को स्वच्छ रखना है। किसका काम है? नगर पालिका। देखते ही देखते पूरा खाली जगह स्वच्छ हो गया। क्या स्वच्छ हो गया? मोहल्ला। कुछ लोग सड़क पर ही खाली जगह फेंक देते थे। क्या फेंक देते थे? कूड़ा यानी कचरा। आगे यहाँ पे देखिए कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। धरती, समझो, खुशबू, शान, फैला और फूल। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की खाली जगह है शान। हमसे ही है खाली जगह सारी धरती। खाली जगह यह आसमान है फैला। खाली जगह है हम इस बगिया के फूल। खाली जगह फैलाना काम है खुशबू। आगे देखिए यहाँ पे हमें कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं। पानी, घर, शरारती, किनारे, बिल, लोट और झुंड। नंबर 1, सरोवर के खाली जगह खरगोश रहते थे। सरोवर के किनारे खरगोश के खाली जगह जमीन के अंदर थे। क्या थे? बिल। जंगल में हाथियों का खाली जगह आया। क्या आया? झुंड। कुछ हाथी खाली जगह थे। क्या थे? शरारती। हाथी खाली जगह से बहुत प्यार करते थे। हाथी किससे बहुत प्यार करते थे? पानी से। हाथी सरोवर के किनारे मिट्टी में खाली जगह लगाते थे। क्या लगाते थे? लोट लगाते थे। खरगोशों ने नरम मिट्टी में अपने खाली जगह बनाए थे। क्या बनाए थे? सुराख बनाए थे। यानी क्या बनाए थे? सुराख यानी घर। घर भी लिख सकते हैं और सुराख भी लिख सकते हैं। आगे देखें यहाँ कौन कौन से शब्द हैं। सलाम, शीश, पत्थर,
सिर, पड़ी और रस। पहाड़ है पर खाली जगह नहीं, नदी है पर जल नहीं, क्या? पत्थर। तीन अक्षर का मेरा नाम, खाली जगह के ऊपर मेरा स्थान, किसके ऊपर? सिर के ऊपर। अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो खाली जगह रहूं, पड़ी। छोड़ दे धागा तो करे सलाम, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस। धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में खाली जगह उठाता, आसमान में शीश उठाता। हमारा यह आज का पुनरावर्तन यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको यह सभी सुंदर स्वच्छ अक्षर में जुड़ने का ध्यान रखते हुए अपने हिंदी की कापी में दो दो बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? दो दो बार लिखना है, और साथ साथ याद भी करना है, क्योंकि यह हमारी द्वितीय सत्र की वार्षिक परीक्षा के लिए हमारी तैयारी होगी। धन्यवाद।